सो इस करिश्मा XMR को सिटी में चलाने के जो मजे है ना वो नेक्स्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ओवरटेक करती है सेकंडों के हिसाब से। आज जो है अपन चलाएंगे इसको सिटी में और देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी सिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये नज़ारे देखो यार, उदयपुर के नेक्स्ट लेवल। उसके बाद कुछ इस तरीके के मज़े हैं इसको सिटी में चलाने के, देख रहे हो। तो जो बाइक है ना वो एक तरह से काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स देती है जब अपन रेव करते हैं ना तब। और सिटी में मोस्टली मैं सेकंड और थर्ड गियर में, लाइक जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ सेकंड गियर, वरना थर्ड गियर में जो आप नॉर्मली चला सकते हो बाइक को। और इस सिटी में ऐसी कोई बाइक नहीं होगी अभी मेरे आसपास जो मेरे को ओवरटेक कर पाए, क्योंकि मैं चला रहा हूँ भाई फास्टेस्ट 200cc बाइक, या फिर बोलो 210cc। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर है इसके अंदर, ये देखो, देख रहे हो। सो ये मज़े हैं यार इसके। सो ये तो हो गई यार इसके टोटल की बात, पावर की बात। अभी जो है ना मेनली क्या होता है सिटी में अपन जब बाइक को चलाते हैं तो गियर्स का होता है पंगा यार, बार बार डाउन शिफ्टिंग, बार बार अप शिफ्टिंग। तो उस चीज़ के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे भी नॉर्मली मैं चल रहा हूँ रोड्स पे, बट यहाँ पे इतना जो है ट्रैफिक है नहीं, सो अभी जो है मेरे को ज़्यादा गियर अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी मैं फोर्थ गियर में भी चल रहा हूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक 30 की स्पीड में मैं फोर्थ गियर में हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं आ रहा है। और जब हाईवे पे अपन जाते हैं तो वहाँ पे तो यार सिक्स्थ गियर से नीचे क्या ही चलानी फिर बाइक। और मेनली अभी कंफर्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो जो कंफर्ट है ना बाइक का, लाइक अभी राइडर जैसे मैं राइड कर रहा हूँ, पिलियन मेरे साथ है नहीं, पिलियन के साथ भी एक वीडियो आने वाली है। सो अभी जो है ना अच्छा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बाइक को चलाने में, लाइक मैं बिंदास होकर बाइक को राइड कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, जो इसकी राइडिंग पोजीशन है ना वो इतनी सही दी गई है, अपराइट है थोड़ी सी, तो उससे क्या है ना कि आप जल्दी से थकते नहीं हो, आप चाहे बाइक को कितना ही चला लो आप थकोगे नहीं, तो वो वाली बातचीत है। जैसे R15 में क्या होता है अपन ऐसे झुक कर फिर चलते हैं, लाइक पूरा बैक पेन होने लग जाता है कुछ ही टाइम बाद। जस्ट आपने 15-20 मिनट्स राइड की, आपका लाइक जो है बैक पेन जो है स्टार्ट हो जाता है बैक में, तो वो है। लेकिन यहाँ पे जो है ना डिफरेंट सीन है, यहाँ पे वो आपको इशू नहीं आएगा, यहाँ पे आप इजली जो है रेव कर सकते हो, इजली जो है आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यू कैन एंजॉय योर राइड इन एवरी कंडीशन। ये देखो सो यार टोटल रिस्पॉन्स तो नेक्स्ट लेवल है इसका, नेक्स्ट लेवल टोटल रिस्पॉन्स है। बाकी जो ब्रेकिंग है ना थ्रॉटल के हिसाब से वो भी काफ़ी बढ़िया ही दी गई है। तो अभी जो ना सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं है, सो इसलिए अपन सिटी में भी इजीली इसको लाइक हायर गियर्स में राइड कर रहे हैं। मेनली जब ट्रैफिक होता है ना तब पता चलता है किसी भी बाइक का कि यार वो कैसा लाइक जो है कम्फर्ट दे रही है उस सिचुएशन में। बट फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है और अपन जो है जैसे हाईवे पर चलते हैं ना कुछ उस तरीके से जो है चला पा रहे हैं। एंड येलो कलर बताओ कैसा लग रहा है, साइड में जो है आयुष येलो ले रहा है और इधर जो अपनी रेड है, दोनों ही जो बाइक है ना यार काफ़ी प्यारी लगती है आई कैची कलर से दोनों ही। ये देखो ब्रेकर पे मैंने सिर्फ थर्ड गियर में निकाल दी, लाइक मेरे को ये भी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड गियर डालने की ज़रूरत है, नो अपन जो इनको हायर गियर्स में ही जो है राइड कर पाते हैं। बताता हूँ आपको इसकी साउंड, ये देखो देख रहे हो, बूम बूम बूम, सी लाइक किसी सुपर बाइक से कम मजे नहीं है इस बाइक पे, एक तरह से लीजेंड ही है भाई। जब इसका कमबैक हुआ है ना तो इतनी सही पावर के साथ, लाइक सोचा नहीं था कि इतनी सही चीज़ निकल के आएगी, बट भाई हीरो ने ना अब की बार कमाल कर दिया, हीरो हीरो है यार और अपना हीरो ये है। सस्पेंशन जो है ना यार सॉफ्ट है बाइक के, मतलब आप ब्रेकर से एकदम से स्पीड में भी निकालते हो ना तो वहाँ पे आपको झटके फील नहीं होते, लाइक जो हार्ड सस्पेंशन वाली बात है ना वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, यहाँ जो है आपको मिलते हैं सॉफ्टर सस्पेंशन। यदि आप पिलियन के साथ में भी राइड कर रहे हो तो आपको आने वाला है मज़ा। ये देखो यदि मैंने स्पीड से भी निकाली है ना तो कम्फर्टेबल है, लाइक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से उछल रहा हूँ, यदि एकदम से मैं सीट से ऊपर हो गया ऐसा नहीं है, मतलब कम्फर्ट रहता है फिर भी बाइक में। दोनों ही जो सस्पेंशन है ना फ्रंट एंड रियर सॉफ्टर साइड है, एंड कंफर्ट के लिए जो है मेनली ये किए गए हैं यहाँ पे ट्यून, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी।
और मेनली क्या है ना कि इसमें जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपको मिलता है कॉन्फिडेंस कि हाँ आप इतने टाइम में इसको ओवरटेक कर दोगे और आपके सामने कोई आएगा नहीं। तो वो जो चीज़ होती है ना अपने दिमाग में, वो सिर्फ इस बाइक पे आप अचीव कर सकते हो कि हाँ यार मैं इसको ओवरटेक कर दूँगा विदाउट एनी इशू। कई बार क्या होता है, नहीं यार कहीं ओवरटेक करूँ, कहीं इधर से आ जाए, कहीं उधर से आ जाए, नहीं। यहाँ पे क्या ना, सेकंड के हिसाब से आप ओवरटेक करते हो और आपको फिर जो है डर नहीं लगता। तो जो लोग स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने हैं ना, और जिनको चाहिए भाई ऐसी बाइक कि उसके घर के जस्ट बगल में लाइक कुछ ही दूर उसको सर्विस सेंटर भी मिल जाए और एक्स्ट्रा वारंटी जैसे बेनिफिट्स, तो आप जो है यार इस बाइक की तरफ जाओ। काफ़ी बढ़िया बाइक है, मेरे को तो इस बाइक में कोई कमी लगी नहीं है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। R15 RS 200 ये सब जो है ना, इन लाइक उन सबको भी ये पीछे छोड़ रही है फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में, कंफर्ट के मामले में। सो क्यों लेनी है यार वो, जब अपने पास अपने देश का हीरो है तो क्यों जाना है फिर जापान, समझ रहे हो। सो अभी जो है अपन हाईवे पे जाएंगे एंड फिर जो आपके लिए एक हाईवे डिटेल राइड रिव्यू लेके आएंगे। फिलहाल जो है सिटी में हमने चलाई, हैंडलिंग वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस रहता है बाइक पे, चाहे आप कैसे भी रोड पे चल रहे हो। पतली गलियों से भी निकलते हैं ना तो भी वहाँ एक नेक्स्ट लेवल आपको मज़ा आता है राइड करने का। जस्ट गियर डाउन, थर्ड में इतना तगड़ा पुश मिलता है बाइक को कि यार मज़ा आ जाता है, समझ रहे हो। ये देखो तो ये वाले जो मज़े हैं ना, ये कभी R15 में भी नहीं आए मेरे को, सही बता रहा हूँ। क्योंकि R15 में टॉप एंड भले ही अच्छा है, बट इसमें जो है ना इनिशियल इतना सही है कि आपको राइड करने के मज़े आ जाएंगे इसके अंदर। बाकी जो मिरर्स हैं उनका व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया है, जो मीटर है वो भी इसका काफ़ी ब्राइट है, सो ऐसे मेरे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मीटर भी जो अपना पूरा दिखता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, सो मेरे को यहाँ पे उससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि मेरे को फ़ोन लगाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ। सो मैं जो इसके अंदर ही अपना मैप चला के कर सकता हूँ काम, लेकिन अभी मैंने इससे मोबाइल पेयर नहीं किया है क्योंकि उसमें टाइम भी लगता और उतना टाइम हमारे पास था नहीं, दैट्स वाई जो है मैंने इसमें मैप्स वगैरह कनेक्ट नहीं कर रखा है। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को इसका फ्रंट जो लुक है वो कैसा लगता है, मेरे को तो यार काफ़ी बढ़िया लगी और हो सकता है आने वाले कुछ अपडेट्स में ये और भी बेहतरीन चेंजेस के साथ में आ जाए। ये तो जस्ट लॉन्च किया अभी, अभी कंपनी के जो ना प्लान्स काफ़ी ज़्यादा इस प्रोडक्ट को लेके, सो देखते जाओ क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें। एडवांस बनाई यार काफ़ी, मतलब इसमें ना जो है आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड मिल रही है, वो नहीं मिलती आपको सेगमेंट की किसी भी बाइक में, टर्न बाई टर्न नेविगेशन तक भी नहीं मिलता। तो वो वाली जो वाइब्स है ना इस बाइक की, वो आपको किसी और बाइक में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है ना आपको जो फीचर्स ऑफर कर रही है जिस प्राइस पॉइंट में, मतलब 72,000 में क्या ही बुराई है यार, आँख बंद करके ले सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट है ये। और कोई भी दिक्कत आती है तो घर के बगल में यार अपने हीरो का सर्विस सेंटर है, मतलब हर एक सिटी में आपको हीरो का सर्विस सेंटर तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे जस्ट आप चेक कराओ, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये नहीं है कि आपको ओहो देख रहे हो एकदम से ब्रेकर आया, काफ़ी लाइक जो है हार्ड सा था बट सॉफ्टली इसने क्रॉस कर लिया। सो सिटी में चलाने के मज़े तो आपने ले लिए, लेकिन अभी बारी है इसके हाईवे टेस्ट की। अब ये नहीं पता मेरे को आप हाईवे वाली पहले देख रहे हो या फिर ये पहले देख रहे हो, बट अभी हम हाईवे पे जाएंगे और माता जी आ गई एकदम से, ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है, तो वहाँ पे मेरे को जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिला नेक्स्ट लेवल। तो ऐसी जगहों पे ना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इस बाइक में कि आप ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हो यदि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जो ना आपको फुल एंड फुल कॉन्फिडेंस आएगा इस बाइक में। चलो यार अपने को इधर जाना है, सो लेट्स गो। यस वी आर राइट, देख रहे हो वॉच में जो है ना मैप चला रखा अपन ने, क्यों, क्योंकि यार उसका एक अलग मज़ा है। तो चलो यार ये था एक सिटी राइड रिव्यू जिसमें ये अपन ने कवर किया इस बाइक की परफॉर्मेंस, इस बाइक का कंफर्ट सिटी में क्या है, वो सारी चीज़ें अपन ने नोट डाउन की है। बाकी बाइक जो है ना मेरे हिसाब से सिटी के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कच्चे पक्के रास्तों में चल रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में चल रहे हैं और यहाँ पर चलने का मज़ा भी अपना ही है। बट यहाँ पर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन कहाँ से निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ओवर स्पीडिंग तो करेंगे नहीं, बट हाँ ये देखो ये जैसे थोड़े से कच्चे रास्ते हैं तो यहाँ पे भी अपने को कंफर्ट देती है बाइक अच्छा खासा, और जो ब्रेकिंग है ना वो भी काफ़ी बढ़िया ही मिल जाती है अपने को। तो ये था यार एक सिटी राइड रिव्यू प्लस जो है विलेज राइड भी अपन ने कर ली इसके अंदर। सो बताओ अब कैसा लगा आपको ये रिव्यू। बाकी यार मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में
कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।